हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाला जयपुर पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पोस्ट ग्रेजुएट क्वेश्चन पेपर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर का कोड है और ये पेपर संबंधित है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, MA MSc के रिगार्डिंग। इसमें जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है PG लेवल का, उसमें उस सिलेबस के बारे में, ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस का नेचर क्या है, पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है एग्जाम पैटर्न के बारे में और दूसरा है आपका जो प्रिपरेशन का मोड होगा वो क्या होना चाहिए अभी एग्जाम के डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट जो बुक लिस्ट है आपकी उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के बदलते पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, फॉर एग्जाम्पल DU अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, उसके बाद में JNU, जामिया और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती थी ऑल इंडिया बेसिस पे। तो प्रेजेंट टाइम में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। तो इसके लिए अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको भी थोड़ा चेंज किया है और सिलेबस को भी काफ़ी हद तक चेंज किया है, कुछ नए टॉपिक ऐड किए हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्ज़ाम होता है उससे, उसके रिगार्डिंग। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाला जयपुर पर आपको CUET PG के रिगार्डिंग क्या स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, क्या आपका प्लान रहेगा स्टडी करने का, आपको जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा उसके रिगार्डिंग, उसके बाद में आपको जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका डिस्कशन होगा। और कहने का मतलब जब आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी और एग्ज़ाम की डेट फॉर एग्ज़ाम्पल जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ तक के लिए आपको जो भी गाइडेंस रहेगा वो इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनसे संबंधित आपको एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले PDF प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी और अभी इस पे काम चल रहा है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल स्टेटिस्टिक। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक को आपको यूट्यूब के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। और जो अभी बदलते एग्जाम पैटर्न और टाइम के हिसाब से, क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी कब की है, तो टाइम बहुत कम है, मुश्किल से आपके पास 1.5-2 महीना का टाइम है। तो उसके हिसाब से आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको इस यूट्यूब चैनल पर कवर करवाए जाएंगे। तो जो थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एग्जाम डेट के बारे में देखते हैं कि हमारी एग्जाम कब तक पॉसिबल है, एग्जाम डेट कब तक पॉसिबल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी तो जैसा कि आप सभी को पता है फॉर्म चल रहे हैं, एप्लीकेशन अभी विंडो एक्टिव है, जिसमें जो फॉर्म डेट है वो लगभग 20 मार्च 2023 से 19/4/2023 तक चलेगा, लगभग शाम के 5 बजे तक। तो अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी आप पहले ये फॉर्म भरने का काम कीजिए, क्योंकि बाद में वेबसाइट बिजी रहती है तो आपका फॉर्म भर जाएगा तो चालान नहीं कटेगा, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से आपका जो तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं बाद में, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो अभी यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप पहले फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरा है तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो ये है फॉर्म की एग्जाम जो एप्लीकेशन डेट है ये है 20 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में। उसके बाद में आपका करेक्शन विंडो है वो 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में चलने वाला है। ठीक है, आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन में अभी यदि कोई करेक्शन है आपका, ठीक है, तो वो आप 20 से 23 अप्रैल के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न पहले जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस पे होता था, उस समय तो 100 क्वेश्चन आते थे डोमेन सब्जेक्ट के और आपका पेपर होता था 3 घंटे का और फ्री हो जाते थे। लेकिन
लेकिन जब से ये सीयूटी पीजी एनटीए द्वारा करवाया जा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाया जा रहा है, तो इसमें आपका जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो इसमें 25 क्वेश्चन तो आपके जो जनरल टेस्ट होता है, जनरल स्टडीज के रिगार्डिंग आता है, और जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट के आते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये पैटर्न है, इनमें दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो प्रेजेंट टाइम में ये पैटर्न रहता है एग्जाम का। उसके बाद में आपकी जो एग्जाम डेट है, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब तक एनटीए जारी कर सकता है, एग्जाम के जो शेड्यूल है कब तक जारी कर सकता है। तो अभी आज की डेट में 10 अप्रैल हो रखा है, ठीक है, और अभी अप्रैल का 20 दिन है आपके पास, और उसके बाद में मई के 31 दिन है, ठीक है, टोटल कुल मिला के 51 डेज है आपके पास। जो सीयूईटी यूजी का एग्जाम है, सीयूईटी यूजी का एग्जाम है, उसकी डेट है 21 मई से 31 मई के बीच में। सीयूईटी यूजी का एग्जाम 21 मई से 31 मई के बीच में एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में 13 जून से 22 जून के बीच में जो यूजीसी नेट का जून साइकिल का एग्जाम है वो होगा, तो ये आपके 22 जून तक चलेगा यूजीसी नेट का। तो अब आप देख लीजिए कि मई तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और जून में भी यदि एग्जाम एनटीए यदि कंडक्ट करवाना चाहेगा तो वो आपका 1 जून से 12 जून के बीच में, और या फिर हो सकता है 23 जून से 30 या 31 जून के बीच में करवाएगा। तो ये जो दो टाइम पीरियड ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इस बीच वाले टाइम में एनटीए एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए, ठीक है, और इस बाद वाले टाइम में भी एग्जाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि जो अभी दिसंबर 2022 यूजीसी नेट का सेशन चला था उसकी एग्जाम डेट थी वो 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में थी, लेकिन ये एग्जाम 16 मार्च तक चले थे, कहने का मतलब 5-6 दिन एक्स्ट्रा चले थे। तो हो सकता है कि 22 जून की जगह ये एग्जाम भी 30 जून तक कंटिन्यू रहे, और हो सकता है कि आपका एग्जाम जुलाई फर्स्ट वीक में हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी, अभी रिजर्व डेट निकाली नहीं है, कोई भी यूजीसी नेट ने तो कंफर्म कर दिया है और सीयूटी यूजी का भी कंफर्म है, लेकिन पीजी ने अभी पीजी के लिए अभी एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं की गई है एनटीए द्वारा। तो हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जून के फर्स्ट वीक में बढ़े, और फिर जून में नहीं लेगा तो फिर हो सकता है कि 1 जून से 12 जून के बीच में होगा, ठीक है, और या फिर हो सकता है दूसरी पॉसिबिलिटी जून फर्स्ट वीक में बने, तो यदि सॉरी जुलाई फर्स्ट वीक में बने, ठीक है, तो यदि जुलाई फर्स्ट वीक में होगा तो आपके पास 30 दिन और एड हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास लगभग 70-80 दिन के आसपास है, ठीक है। और आप मान के चलिए कि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, पिछला भी जो एग्जाम शेड्यूल था वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो गया था, तो हो सकता है कि वो 1 जून से 12 जून के बीच में भी आपका एग्जाम करवा ले, तो इसके हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि अभी आप 50 दिन मान के चलिए, और हो सकता है ऊपर वाले 30 दिन भी आपको मिल जाए, ठीक है, तो वो आप डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए, और जो आपका वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए। तो ये है एग्जाम सब्जेक्ट मतलब एग्जाम के पैटर्न के बारे में कि कब एग्जाम करवा सकते हैं और आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के और 75 क्वेश्चन डोमेन सब्जेक्ट के रहने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद में प्रिपरेशन का मोड क्या है आपका, ठीक है, प्रिपरेशन का मोड क्या है इसमें, पैसिव जो पहली पॉसिबिलिटी है वो तो ये है कि आपने एक बार पूरा सिलेबस को कवर कर लिया और सिलेबस को पूरा पढ़ लिया है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने अभी सिलेबस को स्टार्ट किया है और लगभग 50% पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने अभी स्टार्ट की है तैयारी और मुश्किल से 20% के आसपास पहुंचे हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस को पूरा पढ़ चुके हैं उनके लिए यही एडवाइज रहेगी कि वो इस सिलेबस को रिविजन करें, बार बार रिविजन करें, और जो वीक पोर्शन है उसको डीप से पढ़े, जो वीक पोर्शन है उसको तो कवर करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको डीप पढ़े, ठीक है। डीप का मतलब है फॉर एग्जांपल कि
कोई क्लाइमेट से संबंधित टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कोपेन का और थ्रोनफेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, यदि आपने उसको अच्छे से कर लिया है तो उसको डीप पढ़ने की कोशिश करें, और उनके जो अल्फाबेट है और भी बहुत सारे अल्फाबेट हैं बदलते पैटर्न के एग्जाम के अनुसार, उनका कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी आप डीप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो 50% अभी सिलेबस कवर किया है उनको ये एडवाइज रहेगी कि वो अभी सिलेबस को जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जो पढ़ा है पिछले टाइम में उनको साथ में रिविजन करते रहें, और जिनका अभी नई नई तैयारी स्टार्ट हुई है उनके लिए ये प्लान रहेगा कि आप पहले तो सिलेबस को कवर कीजिए जितना जल्दी हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और थोड़ा जो हाइलाइटेड पोर्शन है जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये है प्रिपरेशन का मोड कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। अभी पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट है उनको डिस्कस करेंगे। बुक लिस्ट जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा वो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के बदलते पैटर्न और जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुकें आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके मतलब सीयूटी पीजी के लिए ये रामबाण साबित होगी, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम सिलेबस के बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक बार जल्दी स्पीड से सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या कह रहा है। तो बेसिकली सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, पार्ट ए, और जो पार्ट बी है आपका वो है ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित, और पार्ट सी है वो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से संबंधित, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। तो पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सेक्शन फर्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति की। भू आकृति की मीन्स जो अर्थ सरफेस है उसके बारे में बात कर रहा है। ये पहला तो सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, फॉर एग्जाम्पल कांट, लाप्लास, ठीक है, और जो अलग अलग हाइपोथेसिस है, ठीक है, मॉल्टन और चैम्बरलेन की, उनके बारे में ये बात कर रहा है। उसके बाद में अर्थ इंटीरियर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्थ इंटीरियर का मतलब है कि जो कोर मेटल और क्रस्ट के बारे में पूछ रहा है कि इनकी नेचर क्या है, कितने किलोमीटर तक है, ये सारी चीजें। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो उसके बारे में है, अर्थ मटेरियल, मटेरियल्स एंड मिनरल्स, जो प्रॉपर्टी में और पूरी अर्थ में कौन कौन से मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं उनका सीक्वेंस, रॉक्स क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, अर्थ सरफेस कॉन्फिगरेशन, ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म, वैगनर्स थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में दो थ्योरी पूछी है, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट थ्योरी जो अर्थ से संबंधित है, ओरिजिन से संबंधित, उनके बारे में पूछा है, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और ये सारी चीजें पूछी है। तो ये सिंपल बेसिक टॉपिक है। उसके बाद में एंडोजेनिक प्रोसेस इसमें फॉल्ट्स, फॉल्ट्स डोम एंड देयर रिजल्टेड लैंडफॉर्म्स, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, उनका कारण और रिजल्टेड लैंडफॉर्म्स एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, फॉल्ट्स, फॉल्ट्स एंड डोम, ठीक है। तो इन सभी का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनेटिक प्रोसेस का मतलब है कि जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं बल उनको आंतरिक बल बोलते हैं, और एक्सोजेनिक प्रोसेस का मतलब होता है बाहिर्जनित बल जो पृथ्वी की बाहर से वायुमंडल की तरफ से पृथ्वी पर लगते हैं, उन बलों को एक्सोजेनिक बल फोर्सेस कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। इसमें वेदरिंग, अपरदन, जो अपरदन और निक्षेपण से संबंधित है, मास वेस्टिंग, भूस्खलन और सॉइल फ्लेक्शन से संबंधित है, रिजल्टेड लैंडफॉर्म, इनसे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, अपरदन और निक्षेपण से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ एंड सॉइल, जियोमॉर्फिक एजेंट एंड प्रोसेस, ठीक है। तो एजेंट प्रोसेस कौन कौन से हैं, पहला है फ्लूवियल, ग्लेशियल, कोस्टल, एरिड एंड क्रस्ट लैंडफॉर्म्स, जियोमॉर्फिक हजार्ड्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। तो इनके बारे में जो नदी जल द्वारा और हिमानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में, और जो काष्ठ इसला करती है वहां पर कौन कौन से अपरदन और निक्षेपण से लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बारे में डिटेल से पूछा है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में इम्पोर्टेंट बुक है वो, अभी बाद में साथ में डिस्कस करेंगे, आगे और टॉपिक आएंगे। उसके बाद में क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी का जो पहला पार्ट है वो है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हीट बजट, बेसिक सिंपल बातें एटमॉस्फेयर के बारे में, वातावरण के बारे में। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
विंड्स एंड एयर कॉजेज ऑफ सर्कुलेशन, तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वायुमंडलीय दबाव का, और उसके बाद में विंड्स एंड एयर कॉजेज ऑफ सर्कुलेशन जो पवने हैं उनका घूर्णन का कारण क्या है, टाइप ऑफ प्लेनेटरी पीरियोडिक एंड लोकल विंड। लोकल विंड का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हर्मटान, सिरोको, बोरो, और जो अमेरिका के उत्तरी रीजन में और साइबेरिया के रीजन में इन वाले रीजन में जो लोकल पवने बहती है उनके बारे में। पीरियोडिक विंड्स मतलब जो मॉनसून टाइप की विंड्स है जो आफ्टर एवरी मंथ्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। और टाइप ऑफ प्लेनेटरी विंड मीन्स जो ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, तो तापमान वितरण के कारण क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लैंड पार्ट पे जो ओशियन में और कॉन्टिनेंट पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनका पैटर्न क्या है, ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एटमोस्फेरिक मॉइस्चर जो ह्यूमिडिटी के बारे में, इवोपरेशन वाष्पोत्सर्जन के बारे में, कंडेंसेशन मीन्स संघनन के बारे में, उसके बाद में जलीय साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, टाइप रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून, ठीक है, तो मॉनसून के बारे में बेसिक डिटेल है। एयर मासेज एंड फ्रंट्स, ठीक है, एटमोस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन का एटमोस्फेयरिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंटी साइक्लोन एल नीनो, सदर्न ऑस्कलेशन, रिसेंट क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी फिनोमिना जो प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज से संबंधित फिनोमिना घटित हो रहे हैं उनके बारे में ये बातें पूछी है, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, बेसिक ऑफ कॉम्पेंस, थॉर्नफेल्ड क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ, एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जनरल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉपेन और थॉर्नफेल्ड का है, ठीक है, और इसमें जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल कोपेन ने वर्षा और तापमान के आधार पर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के आधार पर जो पांच आधार माने थे, और उसके बाद में इन पांच आधारों पर इंडिया को आठ पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से सीधे सीधे पुट अप होते हैं, फिर उनका जो अल्फाबेटिक कोड है उनके हिसाब से जलवायु प्रदेश कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 है ओशनोग्राफी, सरफेस कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, हाइपसोग्राफिक कर्व, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप, अबेसल प्लेन, ट्रेंच डीप, रिलीफ ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। तो इन तीनों ओशन के जो बॉटम सरफेस है उनके बारे में कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ कितनी किसकी ज़्यादा है, स्लोप के बारे में, अबेसल प्लेन, ठीक है, और अबेसल प्लेन में जो टोपोग्राफी बनती है फॉर एग्जाम्पल अंडर वाटर प्लेट्यू है, गियोट है, ठीक है, जो जो वॉल्केनिक चैन है उनके बारे में, ठीक है, पूछ लेंगे एम्परर माउंटेन चैन कौन से महासागर में है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई ओशन रीज के बारे में पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉल्फिन राइज, चैलेंजर राइज, ठीक है, तो ये इनसे संबंधित जो बॉटम टोपोग्राफी है ओशंस की उनके बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये है सरफेस कॉन्फिगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, उसके बाद में आगे पूछ लेंगे कि ट्रेंच, ट्रेंच के बारे में पूछ लेंगे कि प्योर्टो रिको ट्रेंच कौन से में है, कौन से महासागर में है, उसके बाद में टोगो ट्रेंच कहाँ पे है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन बनते हैं जो सिंपल सिंपल आते हैं, और इनका संदर्भ क्या है वो आगे बुक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सलाइनिटी ऑफ ओशन सी, सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, वेव्स एंड करंट्स, करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, टाइड्स, कोज, टाइप एंड थ्योरीज, जो ज्वारभाटा है उसके कारण क्या है, प्रकार कितने हैं और उनकी कितने प्रकार के हैं और उनसे संबंधित थ्योरी कौन कौन सी है। उसके बाद में जो इंडियन पैसिफिक और अटलांटिक ओशन है उनमें करंट का क्या पैटर्न रहता है उनके बारे में, कि कौन से महासागर में कौन सी करंट है, फॉर एग्जाम्पल इर्मिंगर वाटर करंट कहाँ है, लेबराडोर करंट कहाँ है, हम्बोल्ट पेरुवन करंट कहाँ है, बेंगवन करंट जो बेंगुवेला करंट है वो कहाँ पे चलती है, इनके बारे में जनरल बातें हैं। उसके बाद में मराइन डिपॉजिट, ठीक है, जो महासागरीय जमा हुए उनके बारे में कि कोरल रीफ, टाइफ एंड देयर फॉर्मेशन, कोस्टल एनवायरमेंट, ओशन एज ए स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में लैंड पार्ट पर जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं ह्यूमन, ठीक है, बिना फ्यूचर नीड को देखते हुए। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में हमें ओशन में भी ऐसे बहुत सारे रिसोर्स डिपॉजिट है, तो उनके
भी हमें पता लगाना है, और वहाँ पे भी जो बच्चे बच्चे हैं उनको भी जल्दी खत्म करने हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो ओशन में मिलते हैं हमें, ठीक है, तो उनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी पहला है बायोस्फीयर, दूसरा फंक्शन, और तीसरा है ह्यूमन इंट्रैक्शन। तीन चीज़ें हैं। एक तो पहली बात तो बायोस्फीयर होता क्या है, उसका कार्य क्या है, और उसके साथ में ह्यूमन कैसे इंटरेक्शन कर रहा है और उनको कैसे प्रभावित कर रहा है उसके बारे में। तो पहला है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स, कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके घटक क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद में इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी और पारितंत्र का कंपोनेंट क्या है, और बायोम क्या है, उनका वर्ल्ड मेजर बायोम्स, ठीक है, जो विश्व में कौन कौन से बायोम्स है उनके बारे में, और देयर कैरेक्टरिस्टिक, उनका चरित्र क्या है, उनके फीचर क्या है उनके बारे में। उसके बाद में फंक्शन, फंक्शन में क्या क्या चीजें आती है, पहला तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, साइकिल कौन कौन से है, फॉर एग्जाम्पल जियो केमिकल साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइकिल। उसके बाद में फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सारी चीजें। उसके बाद में ह्यूमन इंट्रेक्शन एंड इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे उनका उपयोग कर रहे हैं, उनका कहीं दोहन तो नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक प्रॉपर यूज करने की एक मॉरलिटी होनी चाहिए ह्यूमन सोसाइटी की, कि उनको किस तरीके से यूज करें जिससे बायोडाइवर्सिटी भी इम्पैक्ट नहीं हो और हमारे ह्यूमन की नीड भी पूरी हो जाए उनसे, तो इनके बारे में। उसके बाद में एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट, आइसलैंड, एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो IPCC, ठीक है, IPCC जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में 5 या 6 रिपोर्ट जारी कर दी है, 5 कर दी है और 6 पे वर्क कर रही है। तो उसके बारे में है कि पहली रिपोर्ट कब जारी की, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, इस टाइप की रिपोर्ट्स के बारे में। और एनवायरमेंटल पॉलिसीज कहने का मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, जो भी सबमिट हुई है उनके बारे में। फिर SDG है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, और जो बायोडाइवर्सिटी दशक कौन से पीरियड में मनाया गया है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट है उनके बारे में। और नेक्स्ट है सेक्शन 5 है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब लैंड्स एंड डाइवर्सिटीज, लैंड्स, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, जो विविधता है भूमि की, वो उसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल फीचर क्या है, डिवीजन क्या है उनके बारे में। फिर ड्रेनेज पैटर्न क्या है, अपवाहतंत्र के बारे में, मृदा सॉयल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और नेचुरल वेजिटेशन कितने प्रकार ये है, उनका वितरण क्या है उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट में सीजन, मॉनसून के संबंध में है, मॉनसून की उत्पत्ति कैसे होती है, रीजनल लेवल पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पैटर्न है, और सीजनल वेरिएशन क्या है मॉनसून में उसके बारे में। और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड लोकल विंड्स, ठीक है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, मेजर टाइप किसके, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के। उसके बाद में देयर पोटेंशियलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, जो गैर नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत है उनके बारे में, और उनका क्या वितरण है, उनका उत्पादन लेवल क्या है उसके बारे में पूछा है। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इसके संबंध में आपको एक चीज यहीं पे शेयर कर देते हैं, आगे वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है ज्योग्राफी वाला जयपुर, ठीक है, ज्योग्राफी वाला जयपुर, वहाँ पे 11th क्लास की NCERT का डिस्कशन हो चुका है, जिसमें लगभग 22-23 वीडियो है, ठीक है। अभी लास्ट चैप्टर बचा है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, हैजार्ड, एनवायरमेंटल हैजार्ड एंड डिजास्टर का टॉपिक, अभी उसका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी टॉपिक है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। यूट्यूब पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पर, ज्योग्राफी वाला जयपुर पर, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और ये भी टॉपिक हो गया है क्लाइमेट के बारे में, सीजन और मॉनसून के बारे में, लोकल विंड और रेनफॉल, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। और आने वाले टाइम में अभी 11th क्लास की एक NCERT पूरी हुई है, और एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि जो इंडिया जो NCERT है 11th और 12th की, उनको कंप्लीट कर दी जाए, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आने वाले टाइम में इस टॉपिक के बारे में भी आपको डिटेल से
जो डिस्कशन टॉपिक है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट ए के लिए इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट कौन सी है ये आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं हम, कि कौन कौन सी इनके लिए कंबाइंड बुक हैं वो जरूरी है। एक बार ह्यूमन ज्योग्राफी और जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसके बारे में भी देख लेते हैं। सिलेबस पहला है ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में पूछा है, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, ए ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, जनरल करेक्टरिस्टिक एंड इंटर रिलेशनशिप, उनके बीच में अंतर संबंध क्या है और उनका चरित्र क्या है, इनका जो ज्योग्राफिकल डिसिप्लिन है उनका। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक रोमन अरब चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर, कंट्रीब्यूटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, रिसेंट ट्रेंड इन ज्योग्राफी। मॉडर्न ट्रेंड्स का मतलब है कि जो जर्मन अमेरिकन फ्रेंच और ये जो प्रेजेंट टाइम में जैसे हम विलियम मॉरिस डेविस, ठीक है, ट्रेडजेल, सैंपल, हम्बोल्ट, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो इनका थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो उनका भी तोड़ है हमारे पास, बताते हैं आपको। उसके बाद में ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफिक स्टडीज, फिजिकल वर्सेज ह्यूमन, रीजनल वर्सेज सिस्टमेटिक, क्वालिटेटिव मतलब वर्सेज क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफिक वर्सेज नोमोटिक। ठीक है, उसके बाद में पैराडाइम शिफ्ट, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड्स है ज्योग्राफी में तो उनके बारे में है कि ये सारी चीज़ें ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित, ह्यूमन ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक है, दूसरा सेक्शन है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, उसमें डिवीजन ऑफ मैनकाइंड, जिसमें स्पेशल ग्रुप्स एंड कल्चर, सिस्टम करेक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, अडेप्टेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल चेंज, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड बिलीफ। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में है कि कौन कौन से रेशल ग्रुप है, कल्चर क्या है, उनका सिस्टम करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, और जो ह्यूमन अडेप्टेशन है एनवायरनमेंट का वो कैसे हुआ है, ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन लेवल क्या है और उनके बिलीफ या मूल्य क्या हैं अलग अलग सोसाइटी कल्चर के, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो जनसंख्या घनत्व का वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका कारण क्या है, कारक कौन कौन से है, कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि कुछ वर्ल्ड के ऐसे रीजन है जो विरल जनसंख्या घनत्व का है और कुछ सघन जनसंख्या घनत्व का है। ठीक है, तो उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में, ग्रोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, पॉपुलेशन थ्योरीज कौन कौन सी है उनके बारे में, हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है माइग्रेशन, इंटरनेशनल और इंटरनल माइग्रेशन, सेटलमेंट्स, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन प्रोसेस पैटर्न एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन पॉलिसीज। ठीक है, तो ये देखो पॉपुलेशन, एक तो पॉपुलेशन की थ्योरीज के बारे में पूछा है मैं। ठीक है, एक तो पॉपुलेशन थ्योरी और दूसरा पॉपुलेशन पॉलिसीज। अब पॉपुलेशन पॉलिसीज भी दो प्रकार की, एक जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन पॉलिसी है कि वो पॉपुलेशन को ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इनका कौन से देश पॉपुलेशन ग्रोथ करना चाहते हैं, कौन से देश पॉपुलेशन में ग्रोथ को कम करना चाहते हैं उनके बारे में। उसके बाद में इलेक्टोरल ज्योग्राफी मीन्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज के बारे में, जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे कौन कौन से रीजन है जहाँ पे जियोपॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है जियोग्राफी का ऐसा पार्ट जहाँ पे जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ उनको कहने का मतलब ज्यादा महत्व दे रहा हो। ठीक है, तो ये है जियो पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन का जियो पॉलिटिक्स अभी प्रेजेंट टाइम में जो जियोग्राफिकल पिवट है, ठीक है, जो भौगोलिक दूरी है वर्ल्ड की, वो इंडियन ओशन पर केंद्रित है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तो नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर यहाँ पे अमेरिकन, फ्रेंच, चाइनीज और अंग्रेजों के, जर्मन के यहाँ पे क्या है जो नेवल बेस है वो यहाँ पे है। ठीक है, फिर इंडियन जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी इस इंडियन ओशन से संबंधित कोस्ट लाइन बनाती है। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैश्विक दूरी है अभी प्रेजेंट टाइम में जियो पॉलिटिक्स की, वो इंडियन ओशन बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में सेक्शन 8 है, वो है जियोग्राफिक रिसोर्सेज के बारे में, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का भूगोल, नेचर एंड कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल इंटरफ्रेंस। ठीक है, रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट इंटरफ्रेंस,
क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है, ये रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है। वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन एंड वाटर पॉल्यूशन। कहने का जो टेगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट में वहाँ पे जो निर्वनीकरण हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे जो कोस्टल एरिया है और जो उष्णकटिबंधीय जोन है, यहाँ पर पेड़ पौधों को जो हानि हो रही है, उनसे क्या क्या नुकसान है, ठीक है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया की जो बैकाल लेक है, वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है उसको स्टोर करके रखा है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द सेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। फिर सॉइल रिसोर्सेज के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन हैजार्ड प्रेशर, ठीक है, सॉरी, पॉपुलेशन प्रेशर। उसके बाद में रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जो उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग कैसे करना है। उसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल हैजार्ड में पॉल्यूशन, इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इनसे संबंधित कौन कौन से समस्याएं हैं, इमर्जिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन है, और सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, प्रिजर्वेशन का मतलब है उनको बनाए रखना, सतत बनाए रखना, और सस्टेनेबल रिसोर्सेज का मतलब है जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं वो भावी पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना है, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन एंड डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। उसके बाद में एग्रीकल्चर में प्राइमरी क्रॉप वीट, राइस, मेज, कमर्शियल क्रॉप कॉटन, सुगर कैन, टी, कॉफी, रबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज, इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड के बारे में पूछा है। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ पे ये पहली बात तो इन एक्टिविटीज के बारे में इंडेक्स बना रखी है, फिर यहाँ पे जो प्राइमरी क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है, उनके बारे में भी दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जो वेरियस प्राइमरी एंड कमर्शियल क्रॉप है उनके, एक तो वर्ल्ड में कौन से देश लीडिंग प्रोड्यूसर है और इंडिया में कौन से स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है, उनके बारे में देखना है। फिर इनकी तीन चीजें देखनी है, इनका टेम्परेचर, इनका रेनफॉल, इनकी सॉइल, ठीक है। तो ये तीन चीजें देखनी है और दो ये देखनी है, तो एक इंडेक्स बना लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि शुगर कैन प्रोडक्शन में कौन सा देश टॉप पे है, या कौन सा देश है जो कॉटन प्रोडक्शन में टॉप पर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। रबड़ और कॉफी का ज्यादा पूछते हैं क्योंकि ये चर्चा में नहीं रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप में। उसके बाद में माइनिंग इकोनॉमी, इसमें फैक्टर गवर्निंग द एक्सप्लोइटेशन ऑफ मिनरल्स, वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन और मैग्नीज एंड बॉक्साइट एंड कॉपर, ठीक है। तो जैसा हमने प्राइमरी और कमर्शियल क्रॉप के बारे में पढ़ा था, वैसे वैसे माइनिंग इकोनॉमी में जो आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट और कॉपर है, उसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, फिर इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, और प्रोड्यूसिंग लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड स्टेट देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर, एटॉमिक एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी लीडिंग प्रोड्यूसर, और उसके बाद में जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में देखना है। और नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इन चीज़ों को डिस्कस करना है, हमें देखना है। उसके बाद नेचर एंड ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जो वैश्विक व्यापार है उसके बारे में, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑफ व्हीट, कॉटन, टी, कॉफी, पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इनके बारे में हमें वर्ल्ड में ट्रेंड देखना है, कि गेहूं का उत्पादन कौन से देश कर रहे हैं, प्रोडक्शन कौन से देश कर रहे हैं, और इंपोर्ट कौन से देश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड बन गया, कॉटन का भी सेम है, टी, कॉफी और बाकी जो बचे हैं उनका भी इस टाइप का पैटर्न देखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम है वो अरब कंट्रीज प्रोडक्शन करती है और विश्व में इनको इम्पोर्ट करते हैं अलग अलग देश, ठीक है। तो ये ट्रेंड देखना है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, इसमें रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक वर्ल्ड ओशन ओशनिक रूट, इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे एंड इंपॉर्टेंट कैनाल्स, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वीकरण है उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे, विश्व इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा है, जो
वेरियस प्रकार के कैनल है, फॉर एग्जाम्पल पन्नामा, ठीक है, स्वेज कैनाल, क्रच चैनल, ये सारी चैनल के बारे में देखना है। और उसके बाद में जो लैंड वाटर एयर एंड जो रेल ट्रांसपोर्ट है उनके बारे में, यहाँ पर रेल का दे नहीं रखा शायद, ठीक है, वाटरवे का दे रखा है, ठीक है। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे रोड एंड रेल आ जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको वापस, ठीक है। तो इनके बारे में अच्छे से देखना है। उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इसमें कल्चरल लैंडस्केप, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि आपको चार स्टेट दे देंगे और उनमें से सबसे ज्यादा जो नगरीकरणीय स्टेट है वो कौन सा है उसका पूछ लेंगे, या सेटलमेंट का पूछ लेंगे कि गंगा घाटी में किस टाइप का सेटलमेंट पैटर्न बनता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किस टाइप का बनता है, या फिर आपको जनसंख्या घनत्व का सबसे कम किस स्टेट में है, सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, या कोई बीच में से जो लिस्ट है उस बीच में से उठा के पूछ लेंगे कि कौन से स्टेट का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो टॉप और बॉटम तो हमें पता रहता है, ठीक है, लेकिन जो बीच वाले स्टेट है वह जो 15, 16, 17, 18 नंबर के, वहां पर हमें पता नहीं रहता, तो उनका भी एक बार ट्रेंड देखना है हमें। और वैसा का वैसा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ देखनी है पॉपुलेशन की, कि कौन से स्टेट की ग्रोथ ज्यादा है, कौन से की कम है। उसके बाद में एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स, इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देखना है, ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, कौन से मेजर क्रॉप है उनमें ग्रीन रिवोल्यूशन आया है, ठीक है। अभी हम सिलेबस थोड़ा स्पीड से करना है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लें इस चीज को, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं स्पीड से कि कौन कौन से टॉपिक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, स्टील, सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। पहली बात तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया की, उसको देखना है। और उसके बाद में इंडिया में आयरन, स्टील, सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखना है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रेलवे, रोडवे, वाटरवे, एयरवे, पाइपलाइन, इंटरनेशनल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रेंड, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है। और इसका जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसका सोर्स अभी देखते हैं हम। अभी जस्ट रीजनल डेवलपमेंट को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो ये है रीजनल डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इंडिया की, वो आप कहाँ से करेंगे, 12th क्लास की NCERT, ठीक है, वहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। 12th क्लास की इंडिया की NCERT, उसमें एनसीईआरटी का नाम है इंडिया पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ऐसा कुछ करके नाम है, तो वहाँ पे ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, ठीक है। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में फर्स्ट पहली है कार्टोग्राफी, एलिमेंट ऑफ मैप साइंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैप, स्केल, टाइप ऑफ मैप्स एंड स्केल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफिक एंड लीनियर स्केल, एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट का मतलब मैप को बढ़ाना, रिडक्शन ऑफ मैप, मैप की स्केल को घटाना, मेथड एंड प्रोड्यूसर मैप, कंप्लीशन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। तो मैप के बारे में बेसिक चीजें हैं। उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन का मतलब है कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ जेंथल, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ, हॉस्योर, शेडिंग एंड कॉन्टोर्स, ठीक है, कॉन्टोर्स, इंटरपोलेशन, ठीक है, प्रोफाइल ड्राइंग ऑफ प्रोफाइल एंड देयर रेलिवेंस इन लैंडफॉर्म मैपिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रॉक्स, SOI, ठीक है, टॉप सीट, जो इंडियन मैप की टॉप सीट है उसके बारे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल टॉप सीट, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डाटा, ठीक है, वेदर डाटा से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइमोग्राफ एंड हाइड्रोग्राफ, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसो हाइट, प्रिसिपिटेशन ऑफ सॉरी प्रिपरेशन ऑफ वेदर मैप, सिंबल्स यूज इन वेदर मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन डेली वेदर मैप, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेगी आपको, ये कार्टोग्राफी की यूनिट है, वो 11th क्लास की NCERT है, प्रैक्टिकल जियोग्राफी की, ठीक है। तो उसमें ये सारी चीजें आपको अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है, बेसिक चीजें मिलेगी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर आगे है मैपिंग टेक्निक्स ऑफ
पॉपुलेशन सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाटा डॉट आइसोप्लैथ एंड कोरोफ्लैथ मैप, ठीक है। तो ये आपको 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे मैं 12th लिख रहा हूँ वहाँ पे आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक समझ जाना यहाँ पे। फिर है सर्वेइंग का टेक्निक्स, उसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टाइप ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फील्ड वर्क, टेक्निक्स इन फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फील्ड सर्वे, डाटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। उसके बाद में चैन एंड टेप सर्वे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, प्लान टेबल सर्वे, लेवलिंग टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्वे इंस्ट्रूमेंट, थियोडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। तो ये सर्वे से संबंधित टॉपिक है, इसके लिए एक बुक आती है मिश्रा एंड शर्मा करके, मिश्रा एंड शर्मा करके, इसको आगे हम डिटेल से इसका नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में स्टैटिकल टेक्निक्स के बारे में है कि स्टैटिकल मेथड कौन कौन से है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड स्टैटिकल डाटा। फिर है सैम्पलिंग टेक्निक्स, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, बायोनोमिनल एंड पॉइजन्स, प्रैग्मैटिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, सॉरी पॉइजन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। इसके बारे में भी मिश्रा एंड शर्मा की बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका पूरा डिटेल में नाम लिख देंगे। रिमोट सेंसिंग के बारे में, रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल क्या है, टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेज, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ जीआईएस, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा, वेक्टर एंड रोस्टर फॉर्मेट, जीआईएस एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम और सेगमेंट। तो इनके लिए आपकी 11th क्लास की जो प्रैक्टिकल जियोग्राफी की बुक है वो आपको इसके रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के लिए पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, एक बार सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है उनको एक लिस्ट में देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ठीक है। एक बार इन बुक्स के बारे में देख लेते हैं कि वैसा पहली बुक्स तो जो पहला तो हमें देखना है कि पार्ट ए, पार्ट ए में है फिजिकल ज्योग्राफी, पार्ट बी में है ह्यूमन ज्योग्राफी और पार्ट सी में है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। अब पार्ट ए के लिए इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, वो है सविंदर सिंह, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। पार्ट ए के लिए, पार्ट ए के लिए सविंदर सिंह, और पार्ट ए में वापस जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है इसमें पहली बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, दूसरी 11th क्लास की है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये 11th क्लास की दो इंपॉर्टेंट बुक हैं, उनका ये जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ये आपके लिए फाउंडेशन का काम करेगी, नींव को मजबूत करने का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित। और एडवांस चीज करनी हो तो फिर आपको सविंदर सिंह उठानी पड़ेगी, और सविंदर सिंह बुक पढ़नी बहुत जरूरी है सीयूटी पीजी के लिए, ठीक है। अब पार्ट बी, पार्ट बी में हमने पढ़ा था ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है माजिद हुसैन सर की, माजिद हुसैन सर की ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है, उसमें हमें सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें दे रखी है लेकिन हमें पूरी डिटेल में नहीं पढ़नी है उस बुक को, सिलेक्टिव टॉपिक के लिए पढ़नी है। उसके बाद में नेक्स्ट बुक है ज्योग्राफिकल थॉट के लिए, ज्योग्राफिकल थॉट के लिए भी माजिद हुसैन सर की बुक आती है, बेस्ट बुक है, बाइबल बोल सकते हैं उसको ज्योग्राफिकल थॉट के लिए, ठीक है। तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल, मतलब उससे अच्छी बुक मार्केट में कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो 12th क्लास की दो बुकें हैं, एक तो है ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से, ह्यूमन ज्योग्राफी हमने अभी पढ़ा था ना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, प्राइमरी टर्शरी और उनके बारे में, ठीक है। और उसके बाद में 12th क्लास की एनसीईआरटी है जो इंडिया से संबंधित है, इसमें इंडिया पॉपुलर पीपल एंड डेवलपमेंट करके है, पीपल एंड डेवलपमेंट,
ऐसा बुक का नाम है, ठीक है। तो 11th क्लास की दो एनसीईआरटी आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है, और 12th क्लास की जो दोनों एनसीईआरटी वो आपको इनके ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए पढ़नी है, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफिकल थॉट माजी तो सेंसर की हो गई, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलर पोर्शन के लिए वो माजी तो सेंसर की ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई। इस ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको पॉपुलेशन से संबंधित, जो रूरल एंड सेटलमेंट से संबंधित है, अर्बन सेटलमेंट से संबंधित, उसके बाद में पॉपुलेशन पॉलिसीज के बारे में, पॉपुलेशन थ्योरीज के बारे में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में आपका है जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में 11th और जो 12th की एनसीईआरटी है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें क्वेश्चन कैसे उठते हैं उन बुकों में से एक बार थोड़ा बताता हूँ आपको, कि जब चैप्टर शुरू होता है, कोई भी चैप्टर शुरू होता है, तो शुरुआत में 5-10 कोड वर्ड दे रखे होते हैं, जो की वर्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काउंटर से संबंधित हो गया, कोई मैप मैपिंग मैप जो मैप टेक्निक्स है उनके संबंधित हो गया, तो वहाँ से सीधी सीधा वर्ड उठाते हैं और उनका फिर मतलब पूछते हैं। पहले क्वेश्चन दे देंगे कि इसका क्या मतलब है, मतलब ये क्या है, और बाद में 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से पर्टिकुलर लाइन उठा के आपको पूछ लेंगे कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उन बुकों को पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। वहां से क्वेश्चन 100% पुटअप होते हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में इन क्वेश्चन को प्रूफ के साथ बता दूंगा कि कहाँ से वो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, ठीक है। तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, और साथ में मिश्रा एंड शर्मा करके एक एडिशन आता है, मिश्रा एंड शर्मा, ठीक है। ये नया एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद में ये सारी चीज़ें बुकें वगैरह हो गई, अब थोड़ा यूट्यूब चैनल में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको यूट्यूब चैनल कैसे इस प्रिपरेशन में सहायता करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 मिनट, ठीक है। अब यूट्यूब चैनल है ज्योग्राफी वाला जयपुर, ठीक है, ज्योग्राफी वाला जयपुर। वहां पे सबसे पहले तो आपकी जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी से संबंधित वो डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलरेडी 11th क्लास की जो भारत का भौतिक पर्यावरण है वो डिस्कस हो चुकी है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से डिस्कस की हुई है। उसके बाद में दूसरा जो काम रहेगा वो ज्योग्राफी वाला जयपुर का, वो उसका मेन काम रहेगा कि हम जो एक सीरीज लेके आ रहे हैं 30 क्वेश्चन पर डे, ठीक है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, सीयूईटी पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज है वो लेके आ रहे हैं। हम ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठाएंगे, रैंडमली जो टॉपिक है उनको उठाएंगे, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, वो क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली बार बार जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन हम इस यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे डेली के 30 क्वेश्चन के आसपास। और उसके बाद में अभी शुरुआत में हम क्या करेंगे, आज 10 तारीख हो गई है, तो लगभग 15-20 तारीख तक हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो DU का हो, JNU हो, जामिया हो, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ में आने वाले टाइम में आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स होंगे उनको हम लेके आएंगे। अभी इन पे वर्क चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश रहेगी। जब तक आप इन 3 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, 11th और 12th की एनसीईआरटी, और पर डे के 30 क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, और साथ में हम यूट्यूब पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें लग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है, जैसे फॉर एग्जांपल थ्योरीज के बारे में है, और अलग जैसे साइक्लोन्स के बारे में है, जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो लोकल विंड्स है, पीरियोडिक विंड्स है, उनके बारे में, और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित हो गया, पॉपुलेशन और इकोनॉमी से संबंधित हो गया, और जो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है उसमें भी जो वेदर से संबंधित इंफॉर्मेशन है, और एरियल और रिमोट सेंसिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन है, तो उनके बारे में छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे। तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हम CUET PG के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्योग्राफी का कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो
उसके लिए ज्योग्राफी के लिए आप देख सकते हैं ओवरऑल कि आपको सिर्फ पीजी के लिए ही वो जरूरी नहीं है, आपका जो भी एग्जाम है ज्योग्राफी से संबंधित और आपके सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन है तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो वीडियोस, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट चलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैक श्योर आप ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो CUET PG की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इस YouTube चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, और साथ में जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी वाला जयपुर, वहाँ पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट PDFs होगी उनको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और फर्दर आने वाले टाइम में जो भी CUET PG से संबंधित इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इस YouTube चैनल से मिलती रहेगी। तो आप इस जो YouTube चैनल है इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आज हमारा जो बेसिक इम्पोर्टेंट थीम थी डिस्कस करने की वो यही है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है, 50 दिन के आसपास है आपके पास रफली, तो आप पहले तो जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके जो प्रिंसिपल है उनको क्लियर कीजिए, ठीक है, फाउंडेशन मजबूत कीजिए, और सेकेंड टाइम में आप जब रिवीजन करोगे, ठीक है, रिव्यू करोगे सिलेबस को, तो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको ज़्यादा फोकस कीजिए, और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमारा क्लियर है तो जो वीक पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और थर्ड टाइम आप जब रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आप जो प्रीवियस साथ में क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करते रहिए। हम यदि ये PU की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका आप संदर्भ ले सकते हैं, आपकी तैयारी का पता चल जाएगी आप राइट डायरेक्शन में है या आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या आपने ऑलरेडी अच्छी तैयारी कर ली है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस कीजिए, रिविजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जब 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 एग्जाम की डेट आ जाए तो उस समय साथ में रिविजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश कीजिए, और एंड में आप मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट आता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, आपका यदि स्कोर लो रहता है तो। ठीक है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस, रिविजन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो फैक्ट है उनको अच्छे से रिविजन रिवीज कीजिए और जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है उसको मजबूत कीजिए। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक था, थैंक यू।